सिंगू बॉर्डर पर एक दलित युवक को मारने के मामले में अब एक और सरेंडर हुआ है। सरेंडर किया है नारायण सिंह ने, और इससे पहले सरबजीत सिंह ने सरेंडर किया था लखबीर की जान लेने के मामले में। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों निहंग सिखों को विशेष सम्मान दिया गया है। नारायण सिंह ने इस बात को कबूल कर लिया है कि उसने लखबीर का पैर काट दिया था। वहीं आपको बता दें, काफी शर्मनाक तथ्य है कि इस तरह की वारदात को अंजाम देने के बाद भी आरोपी गर्व महसूस कर रहे हैं और लगातार सीना चौड़ा करके खुद का सरेंडर करवा रहे हैं। हालांकि पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पाई है और पुलिस को इस बात की राहत की सांस मिली है कि उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया है, क्योंकि पुलिस सिर्फ शरीफ आदमी के लिए है। आम आदमी के लिए पुलिस प्रशासन है, लेकिन ऐसे अपराधियों के लिए कोई पुलिस प्रशासन नहीं है। पुलिस हाल फिलहाल राहत की सांस ले रही है, आरोपियों को सम्मान दिया जा रहा है और राजनीति बदस्तूर जारी है। लेकिन सोचिए उस बेकसूर शख्स के बारे में जिसका कोई कसूर नहीं था। घर वाले कह रहे हैं लगातार कि एक साजिश है और उसे फंसा कर दिल्ली लाया गया और बलि का बकरा बना दिया गया। इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के ताज़ा तरीन अपडेट होते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।